करते आ रहे हैं। कृपालु दयालु इतने हम आप चल के
तीन चार बार बाबा जी के नाल भी कल्या भी चल के आपने आशीर्वाद दिती। संत बाबा तीरथ सिंह जी बंबई पहुंच गए, उन्होंने कृपा करके साखी सुना के अरदास की, कोई कमाल सी रस्ते अंदर मिले ने, दर्शन हुए ने, तन मन ठरिया है महापुरुष के दर्शन करने का। शांत स्वरूप, शांत चित, शांति के पुंज, ऐसे महापुरुषों का की वर्णन करिए। मान सरोवर से जिथे बाबा जी पूर्ण सेवा में तत्पर ने, उठे भी संतों ने अखंड पाठ रख के अरदासा कीतिया। किस संगत का, किस मनुख का धन्यवाद करा, कोई अखर कोई जिक्सनी भी कोई अखर नहीं कि संतों का धन्यवाद किया जाए। बड़ी कृपा है, उन्हें आपने श्रवण किया है। ये जीव मां प्यो का उपकार नहीं बनना, जेड़ा तेरे उत्ते मां प्यो ने उपकार किया है तू कितने भुल नहीं जाना। दास बैठा बैठा विचार से मेरा मां प्यो का साथ संगत के महापुरुष ने, इन्हों का उपकार किवें भुलिया जा सकता है। मेरे माता पिता का महापुरुष ने, मेरे माता पिता साथ संगत है, तां किसका उपकार भुलिया जाए। इन्हों सतपुरशां का राजा अमरीश होने ने, सिर्फ दो चार मिनट बेनती करांगा, राजा अमरीश होने ने सूरज वंशियां ने भगवान राम तो भी बहुत पहला की गल है, 5000 साल पहला की गल है। मैं ऋषि अमरीश जदों वड्डी उम्र में होए अपने महलों को कहन लगे हूँ आप बंदगी करिए, बालक जवान हो गया है आप बंदगी करिए। बंदगी करने वास्ते गंगा के किनारे चले गए। मैं एक क्षण बेनती करा कि गुरु नानक पातशाह तो 500 साल पहला गुरु नानक पातशाह की अंश में राजा अमरीश हुए ने। उचारो सतनाम, बंदगी कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वाहेगुरु अकाल पुरख के नाल जुड़े हुए ने। जेड़ा जुड़िया होवे इम्तिहान उसे का होता है, जेड़ा कॉलेज स्कूल जावे इम्तिहान उसका होता है। जिहदियां हाजरियां भी पूरिया ना होन इम्तिहान च बैठन भी नहीं दिता जा सकता, चाहे वह कॉलेज उसका नाम ही हो। राजा अमरीश नियम नाल बंदगी करता है, जिहदे पास नितनेम है उहदे पास सब कुछ है, जिहदे कोल नितनेम कोई नहीं उहदे कोल कुछ भी नहीं, चाहे वह कितना ही वड्डा महान होवे। ते उस महापुरश कोल नितनेम सी, दोने पति पत्नी खड़े होके एक पैर ते अकाल पुरख की बंदगी कर रहे सन, अकाल पुरख नूं परा रहे सन। ऐसा समा आया ध्यान का, यथा चतुर्भी कंकम परीक्षते निघर्षण छेदनम ताप ताड़नी, तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते दाने शीले गुणे कर्मणा। सोने का ध्यान होता है, यथा चतुर्भी कंकम निघर्षण, जेड़ा समाल है वो वट्टी के घिसांदा है, वट्टी की लकीर खिंची जाती है। वाहेगुरु अकाल पुरख ने उन्होंने एक ऐसी दृष्टि दिखती है जिसते वो वट्टी से लकीर लै के वेखता है, लकीर वेख के सोना क्यों जहा है नहीं पता चलता, तो निदर्शन छेदन उस सोने के नाम उस वट्टी के उत्ते लकीर मारता है, फिर वेखता है। जे फिर भी पता ना चले तो उठाली में डालता है, नहीं पता चले ताड़ना करता है, फिर पता चलता है सोना कैसा है। इसे तरह महर्षि अमरीश, कितने महाराजा अमरीश आया है, कितने महर्षि अमरीश आया है। ये बंदगी मान पुरुष सन, बंदगी वाले कोल हर कोई जाता है, पशु पक्षी जाते हैं, जीव जंत जाता है, अहिंसक प्राणी जंगल के बंदगी वाले कोल जा बैठते हैं कि साडा भी कल्याण होवे, सानू मनुख दे ही मिले, इस वास्ते तरसते हुए कोल चले जाते हैं।
राजेश के पास महर्षि दुर्वासा जी चले गए, एकादशी का दिन सी। कह लगे कल एकादशी तोड़नी है, द्वादशी है, महर्षि जी स्नान कर गए, दो दिन तक नहीं आए। इन्होंने जल नाम तोड़ना शुरू किया, सामने उन्हें वेख रहा। कह लगे ये किवें हो सकता है, मेरे पूछे बगैर, मेरे छकाए बगैर मैं घर में महात्मा आया हाँ, तो इन्होंने प्रसाद आप छक लिया है। उस वे क्रोध आ गया, क्रोध ऐसा आया कि ये निमुखता का घर है, गुरु नानक का घर। अमरीश राजे ने अपनी पत्नी के हाथ जुट गए, महापुरुषो बख्श लो, थोड़े उपकारा बख्श लो, कृपा करो बख्श लो, मेरे औगण ने थोड़े उपकार ने ते तुसी बख्श लो। मैं ऋषि जी होर क्रोध में आए, शास्त्र आखदा है धर्म क्रोध कर होत विभंगा, स्थित धर्म खिमा के संगा। धर्म कदों नष्ट होता है, जदों मनुख क्रोध करता है। धर्म की स्थापना तां हुंदी जदों बख्श लैंदा है। मैं ऋषि ने बख्शिया नहीं, मैं ऋषि ने बख्शिश नहीं की, दौड़ पिया। परमेश्वर ने एक गल आखी, परमेश्वर ने सुदर्शन भेजिया जाके भाई व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था नहीं बिगड़न देनी। सुदर्शन चल पिया, मैं ऋषि के पीछे, इतिहास साक्षी है, एक साल तक मैं ऋषि अगे अगे के सुदर्शन पीछे पीछे, इस तरह एक साल तक पाते रहे। पर धन है राजा अमरीश, धन है सूर्यवंशी, धन है गुरु नानक का घर, जिहड़ा निमरता का घर है। एक साल तक राजा अमरीश ने उसकी पत्नी हाथ जोड़ के खड़े रहे। वापस परते ते परमेश्वर प्रकट होके आखदे ने, दुर्वासा ये की कर रहे हैं? कह लगे बख्श लो, बख्श लो। कह लगे जे बख्शाना ही तो गुरु नानक के घर चला जा, नानस चा सौ, गुरु नानक के घर चला जा जिथे निम्रता पे बरस दिए, निम्रता का मीह पिया पीता है। उथे जो पहुंचे सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होके, तो राजा अमरीश हाथ जोड़ के आप माफी पिया मंगता है, भाई साहब की गाथा याद आ रही थी, मां प्यो के उपकार ने बोलना। ये महापुरुष माता पिता ने, ये अध्यात्म पुरुष माता पिता ने। कल अखबार अजीत विच पूज्यपाद धर्मनिष्ठ अध्यात्म पुरुष बंदगी का रूप, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का पावन स्वरूप, बंदन बाबा साहब सिंह जी का जीवन पढ़ रहा सा, जिथे उन्होंने बारह मिशनों कठिया किया, कठिया करना बड़ा औखा जे, बिखेरना बड़ा सौखा जे, कठिया करना बड़ा औखा जे। बाबा जी ने बीड़ा चुकया होया है, चार सतनाम कठिया करना बड़ा औखा काम है, सारे काम कठिया करना, ते बिखेरना ये बड़ा सरल काम है। बाबा साहब सिंह जी ने बारह मिसलों में कठिया करके ते बारह कंठे राजिया ने नहा के उस वेले एक कंठा बना के ते महाराजा रणजीत सिंह ने गल पा के सिख राज आरंभ किया। सतगुरु कृपा करन गुरु नानक पातशाह
भीतर त्रोटी में भी दीपक लैके ढूंढ फिर नहीं मिल सकता। बहुत मुश्किल खेडा ने बड़िया मुश्किल वादा मन आप जरा संसार विचर के वेखो, संसार वाल तक के वेखो, केवल साडा लक्ष्य माया रह चुका है। इसके अगे साडा कोई लक्ष्य नहीं। जिमा करना वो क्या गाने खुदा जिसे गुरफत दौलत दीनार की है।